लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में कंपनियां भी पीछे नहीं हैं, जो कई तरीकों से लोगों की जरूरतें पूरी कर रही हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मोबाइल फ्यूल पंप से इसी तरह की एक सेवा शुरू की है, जो सराहनीय है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय के परिसर से चलते फिरते ईंधन पंप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। मोबाइल पंप शहर और गाँव में ट्रैक्टर व कंबाइन जैसी मशीनरी के साथ साथ उद्योगों व निजी अस्पतालों में लगे जनरेटर सेट को भी डीजल उपलब्ध करवाएगा। इस सेवा के लिए उपायुक्त ने मोबाइल फ्यूल पंप सर्विस के डायरेक्टर दिलप्रीत सिंह और असिस्टेंट मैनेजर विपिन कुमार को धन्यवाद दिया और इसे कंपनी का एक सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के साथ साथ फसल कटाई का समय भी आ गया है। लॉकडाउन में मशीनरी खासकर ट्रैक्टर व कंबाइन को डीजल की ज्यादा जरूरत रहेगी। चलते फिरते पंप से उनकी लोकेशन पर ही डिजिटल उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि उनका काम ना रुके। उन्होंने कहा कि IOCL करनाल जिला में इस तरह के 4 चलते फिरते पंप से सेवाएं दे रहे हैं, जो अच्छे खासे एरिया को कवर कर सकेंगे। अच्छी बात यह है कि पेट्रोल पंप के रेट पर ही डीजल के रेट तय है, कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मशीनरी के लिए कम से कम 100 लीटर और अधिकतम के तहत अपनी मांग अनुसार तेल ले सकता है। फ्यूल पंप की कैपेसिटी 6000 लीटर की है। संतुष्टि के लिए तेल की मात्रा और रेट मोबाइल पंप में आधुनिक तकनीकी से डिस्प्ले रहते हैं। मोबाइल फ्यूल पंप के डायरेक्टर दिलप्रीत सिंह ने इस सेवा की विशेषताएं बताई। उन्होंने कहा कि ऊपर बताए गए किसान व अन्य औद्योगिक यूनिट गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के माध्यम से अपने मोबाइल में फ्यूल हमसफर ऐप डाउनलोड करके डीजल और ऑर्डर कर सकते हैं। समय रहते उनकी जरूरत पूरी की जाएगी। कैश, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम यानी डिजिटल मोड से पेमेंट की जा सकती है। किसानों के लिए उन्होंने सुझाव दिया है कि 4-5 किसान समूह में ऑर्डर कर सकते हैं और एक दिन पहले करें तो ज्यादा अच्छा है। जरूरतमंदों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी है। डीजल उपलब्ध करवाने के बाद कितनी मात्रा और राशि का डीजल लिया है उसकी बिल यानी पर्ची निकलेगी। एक और खास बात यह भी है कि जियो फेसिंग तकनीक के चलते ऑर्डर मिलने के बाद मोबाइल पंप जब तक अपनी लोकेशन पर नहीं पहुंचेगा, बीच रास्ते पर यह काम नहीं करेगा। देखिए एक रिपोर्ट। ध्यान में रखते हुए हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस और लगाने जा रहे हैं। एक तो जितना भी कुक्ड फूड था, जो लंगर बना बनाया खाना बांटा जा रहा था, उसमें इसे शहर में काफ़ी मूवमेंट भी था, काफ़ी लोग इकट्ठा होने के भी बातें आई थी, तो वो हमने 10 तारीख तक बंद कर देंगे। वो इसमें जो लोग जो बिल्कुल नीडी हैं, ज़रूरतमंद हैं, वैसा तो एंटिसिपेशन हमारा है कि जब से डिपो का राशन आया है और सामाजिक संस्थाओं ने और प्रशासन ने भी जब राशन किटें बांटी हैं तो लगभग हर घर तक राशन की किट पहुँच गई है। फिर भी अगर कोई जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है तो जो हेल्पलाइन नंबर है 1950 उस पर नोट करा दे, उसको हम घर जा कर के कुक फूड हम डिलीवर करा देंगे। इसी प्रकार से जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, NGOs हैं, जो ड्राई राशन बांट रही थी उनको भी हमने मैसेज करवाया है कि वो भी अगले 3 दिन अपना डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बंद रखें। एक तरह से जो जिसको कहते हैं प्रॉपर कर्फ्यू, प्रॉपर लॉकडाउन, वो हम इम्पोज करने जा रहे हैं। जो केमिस्ट शॉप्स हैं, काफ़ी सारे लोग हमने देखा था कि दवाइयाँ खरीदने के बहाने से केमिस्ट शॉप्स की दुकानों पर जाते थे, तो वो भी अब हमने फिक्स की हैं। आज शाम तक मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेट करवा देंगे। उस डेजिग्नेटेड 25-30 केमिस्ट शॉप्स ही होंगी जो खुली होंगी, और उनका भी टाइमिंग हमने निश्चित किया है 9 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद 12 बजे अगर किसी को के बाद अगर कोई दवाई चाहिए तो वो इन 20-25 केमिस्ट शॉप्स पे कॉल करके और होम डिलीवरी ले सकता है। दुकानें सिर्फ 12 बजे तक ही खुली रहेंगी और ये सिर्फ जो ईयरमार्क दुकानें हैं 20-25 सिर्फ यही खुली रहेंगी। कुछ मीट शॉप भी खुले हैं। जो मीट शॉप्स है, अगेन जो जिस तरीके से राशन शॉप्स एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं, इसी प्रकार से सरकार के आदेशानुसार मीट शॉप्स भी एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं, तो इनको खुला रखने पे पाबंदी नहीं है। बस ये है कि वो जो कच्चा मीट है, रॉ मीट है, सिर्फ वो बेचें। अगर कोई पका करके और कोई सर्व कर रहा है उस पर पूर्णतया पाबंदी है। तो ये आपने देखा था देखिए जो आहूजा फिलिंग स्टेशन है कोहंड में, उनकी एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। इसमें इन्होंने जो मोबाइल फ्यूल स्टेशन है उसको आज हमने लॉन्च किया है। टोटल 4 इस तरह की व्हीकल सभी करनाल जिले में हैं जो अप्लाई करेंगी। आने वाला समय एग्रीकल्चर कटाई का, खेती के में फसल की कटाई का समय है, तो काफ़ी सारे कंबाइन, ट्रैक्टर मशीन और बाकी एग्रीकल्चर मशीनरी खेतों में चलेगी,
और लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि किसानों को डीजल की अवेलेबिलिटी में कोई समस्या आए, इसलिए ये गांव-गांव जाकर के, शहर शहर जाकर के ये अपने अपने एरियाज में फ्यूल प्रोवाइड करवाएगी। इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो 6000 लीटर डीजल की है और एक बड़े काफ़ी एरिया को ये कैटर एक साथ कर सकती है। तो बड़ी अच्छी और सराहनीय पहल है, मैं इसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे विश्वास है कि चूँकि 4 मशीनें हैं तो अलग अलग एरियाज कवर करेंगी और किसानों को इससे काफी हद तक उनकी डीजल की समस्या। दूसरी बड़ी बात है सर, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एक अच्छी पहल की गई है। जी बिल्कुल, जो रेट्स यहाँ पे इनके पेट्रोल पंप्स पे अवेलेबल हैं उसी रेट पे जो है किसानों को वहाँ पे दिया जाएगा, तो किसानों को जो आने जाने के लिए जो खर्चा है वो उनका निश्चित रूप से बचेगा। किसानों खेत में ही पहुँचाया जाएगा। जी बिल्कुल, गाँव में जाएगी ये मशीन और जहाँ पे भी कम्बाइन खड़ी है, कोई एग्रीकल्चर इम्प्लांट्स जो भी खड़े हैं, कोई मशीनरी खड़ी है, वहीं उनको डीजल देगी। मोबाइल पेट्रोल पंप, बिल्कुल इसको ये आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मोबाइल पेट्रोल पंप है, बिना कोई एक्स्ट्रा खर्चे के है, बड़ी अच्छी मॉडर्न आधुनिक तकनीक से है, तो मैं इसके लिए इनका शुक्रगुजार। सर एक 3 दिन के लिए जो लंगर जो बनाकर बांट रहे थे उनको भी क्या पाबंदी लगाई गई? अब हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है और इसमें बहुत दिक्कत आने वाली थी किसानों को, उसके लिए वो 2 तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। एक तो हमारा नंबर है 7645076450, उस पर कॉल करके डीजल मंगवाया जा सकता है। दूसरा प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे ऑनलाइन ऐप है फ्यूल हम सफर, उसको आप डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, लाइव ट्रैकिंग भी मिलेगी, सब चीज मिलेगी। एक मोबाइल पेट्रोल पंप जहां डीजल चाहिए वहां मिलेगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज रहेंगे सर? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, सिर्फ मैं एक अपील करना चाहूंगा किसानों को, अगर वो अपने गाँव में डीजल मंगवाते हैं तो वो कोशिश करें कि 4-5 किसान इकट्ठे होकर मिला लें ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और ये वरदान साबित हो। क्या नाम आपका जी? दिलप्रीत सिंह। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.